नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है चिराग गोठी, मेरे साथ है दीपिका। आज बात करते हैं सुपरटेक के ट्विन टावर्स की। जी हाँ, ये डेमोलिश किया जा रहा है। हम सबको पता है काफी सुर्खियों में है मामला। दो टावर बनाए गए और भ्रष्टाचार, जैसे जैसे पैसा चढ़ता गया बिल्डिंगें या कहें मंजिलें बढ़ती चली गई, टावर जो है वो उसकी ऊंचाई बढ़ती चली गई। और एक बार ये हालात पैदा हो गए कि जो एजेंसीज थी और जो मालिक थे यानी सुपरटेक, उसको ऐसा लग रहा था कि बस अब तो मैं बना ही लूंगा, ये मेरा सपना पूरा हो जाएगा। कई करोड़ों रुपए उसने बायर से ले लिए इस पर, ये बना दिए और अब उसको ऐसा लग रहा था कि ये तो बनेगा ही। और बायर्स जो है, नियम कायदे कानून को बिल्कुल ताक पर रखा गया, एजेंसीज ने बड़ी मदद की, खासकर नोएडा अथॉरिटी ने बड़ी मदद की। उसके बाद अब इस मामले में सख्त कार्रवाई हुई है, सुप्रीम कोर्ट ने तय कर दिया दिन, वो है 28 अगस्त। दीपिका, 28 अगस्त को अभी टावर गिरा दिए जाएंगे। और ये तो सबसे पहला जब जहन में सवाल आता है वो यही आता है कि टावर आखिर इतना ऊंची, भ्रष्टाचार एकदम बढ़ता जा रहा था, सरकारें बदलती जा रही थी लेकिन बिल्डिंगें जो है वो नहीं बदल रही थी, उसका स्वरूप नहीं बदल रहा था, वो बढ़ती चली जा रही थी। आप सोचिए, उनकी हिमाकत देखिए, पैसे की ताकत देखिए कि कोई सरकार जो है, किसी की हिम्मत नहीं हुई। आखिर में हिम्मत हुई सिर्फ एक एक एजेंसी की, और वो है सुप्रीम कोर्ट, जिसने कहा कि गिरेगा टावर चाहे कुछ भी हो जाए। हाँ, सिर्फ वही ना, देखिए आप, जितनी बार सरकार बदलती गई उतनी बार इनकी फ्लोर्स ऊपर चलती गई। अब इसमें 32 फ्लोर्स थी, सो उसके आसपास कितने घर हैं, कितनी बिल्डिंग्स हैं, उनको कितना खतरा है, और जो बिल्डिंग्स में रहने वाले थे उन लोगों को कितना खतरा है। तो सुप्रीम कोर्ट ने इस पे जो सुनवाई की है, करीब 7 साल ये सुनवाई चली थी, लेकिन जो ये फैसला दिया है इसको ध्वस्त करने का, वो बहुत ही एक झटका तो है सुपरटेक के लिए, लेकिन एक बहुत ही सही फैसला, अच्छा था। 93A का ये सेक्टर है जहां पर सुपरटेक ने ट्विन टावर ये बनाए थे। मैं आपको थोड़ा इसमें एक्चुअली फैक्ट्स बहुत सारे हैं, वो पहले मैं अपने दर्शकों को, व्यूअर्स आपको बता देता हूं। इसमें ये बताते हैं कि सख्त टिप्पणी की थी सुप्रीम कोर्ट ने और ये आदेश दिया था कि इस टावर को गिरा दिया जाए, लेकिन इसके बावजूद ये नहीं गिराया जा रहा था। फाइनली अपडेट इसमें तय हो गई है, 28 अगस्त का दिन तार, ये शुभ दिन आ गया है। शुभ दिन कहूंगा मैं इसको, क्योंकि जो भ्रष्टाचार की इसमें 2004 से बनना इनफैक्ट शुरू हुआ था, ये धीरे धीरे बढ़ता चला गया, नियम कायदे कानून ताक पे रखे चले गए। एक की ऊंचाई जो है वो करीबन, ये बताते हैं कि 93 मीटर्स के आसपास थी एक की ऊंचाई, तो ये काफ़ी मतलब ऊंचे बनते चले गए। और ऐसे में आप सोचिए कि जब ये सब कुछ हो रहा था, शुरुआत में जो नक्शा पास हुआ 14 फ्लोर का हुआ, उसके बाद ये 15 हो गए, फिर 16 हो गए, फिर 17 हो गए, मतलब आप सोचिए कि वो लगातार बढ़ाते जा रहे थे फ्लोर्स और कोई सुनने वाला नहीं था। लेकिन फाइनली इसमें एक झटका लगेगा। और अब इसमें क्या है कि जो दो टावर्स के बीच की दूरी जो है वो 16 मीटर की होनी चाहिए थी, ऐसा जो कानून कहता है, लेकिन यहाँ इसको भी 9 मीटर का गैप भी नहीं रहा है। हाँ, 9 मीटर का गैप नहीं रहा, इसके लिए आसपास के लोग काफ़ी परेशान थे, उन्होंने बहुत जगह हाथ पैर मारे। ये पूरी कहानी ना, ये मुझे जो समझ में आ रही है, ये है तो ट्विन टावर की कहानी, लेकिन ये एक आम नागरिक की भी कहानी है। ये सब उन लोगों की कहानी है जिन्होंने फ्लैट्स लिए, बड़ी उम्मीदों से फ्लैट लेता है आदमी, पाई पाई जोड़ता है, आदों को तो फ्लैट ही नहीं मिलते हैं। इस पर मैंने, मुझे याद है, सीरीज भी करी थी। और जिनको फ्लैट मिलते हैं वो भी रोने रो धोकर किसी तरह वो बेचारे ले लेते हैं। और ऐसे में हम धमकी देते हैं बिल्डर को कि हम कोर्ट चले जाएंगे, वो कहता जाइए, क्योंकि उसको डर नहीं है, उसके पास बहुत पैसा है, उसके पास बहुत समय है, उसके पास पूरी बैटरी ऑफ लॉयर्स हैं लड़ने के लिए। आपके पास क्या है? आपके पास जो पैसा था वो भी खत्म हो गया है, और आपके पास क्या है, एक उम्मीद थी वो भी टूट गई है। आप ईएमआई पर होते हैं, आप लगातार जो है वो ईएमआई भी पे कर रहे हैं, आपको फ्लोर भी नहीं मिला है और बिल्डर आपको दे भी नहीं रहा है। तो आप सोचिए, ये तो बैटल हमने देखी कितनी नोएडा में चली और कितना एक बूम आया बिल्कुल इंडस्ट्री में, सरकारों ने बिल्कुल हाथ खींच लिए। और मैं कहूँगा, ये तो उस आदमी का दर्द सुनिए जिसके पैसे चले गए, जो बेचारा फ्लैट नहीं ले पाया, जो पूरी गाड़ी कमाई जिसने अपनी लगा दी, कई लोगों ने सुसाइड भी कर लिया, इस तरह की खबरें थी, कई हमने देखे प्रोटेस्ट भी बहुत चलते रहे इसको लेकर। ये बेसिकली बिल्डर्स की बदमाशी थी, लेकिन सारी गलती बिल्डर्स की भी नहीं है, क्योंकि बिल्डर्स का पक्ष भी अगर हमें जानना चाहिए इस मामले। बिल्डर कहता है कि जी मैंने आपसे पैसे लेता हूं, मैं फ्लोर बनाकर देता हूं। अब टावर बनना एक, टावर बन जाएंगे चार, अब उसमें स्थिति बन जाएगी कि वो सबसे पैसा लिया जा रहा है, और एक प्रोजेक्ट चालू करके दूसरा प्रोजेक्ट कर रहा है, फिर तीसरा कर रहा है, फिर यहाँ कोई इशू आ रहा है, तो एक का पैसा खत्म हो गया, वहाँ काम रुक गया, तो यही सारी कवायद चलती रही थी, जिसकी वजह से ये फ्लैट जो है बन नहीं पाते। आप भी, दीपिका, गाजियाबाद में रहती हैं, आप भी बताइए, आपने क्या, आप फ्लैट में रहती हैं क्या, या आपका अपना घर है, किस तरह से आपके फादर ने भी कोई ऐसी तकलीफें झेली क्या? नहीं सर, एक्चुअली मेरा तो घर ही है, लेकिन एक मुझे याद है कुछ ऐसा केस हुआ था बीच में, जब यही था कि बिल्डिंग ऑलमोस्ट बन चुकी थी और हमने वो अमाउंट डिपॉजिट कर दिया था, लेकिन फिर गवर्नमेंट की तरफ से उसे
बंद करने का ऑर्डर आ गया था, लेकिन उस टाइम पे जो हमारे पैसे थे ना वो फंस गए थे, वो मिले नहीं वापस। तो इसमें भी मुझे लगता है कितने लोगों का ऐसा नुकसान हो रहा होगा, लोगों को उम्मीद होगी कि उन्होंने पैसे दिए तो उन्हें घर मिले, क्योंकि इस सुपरटेक ने इतनी चीजों का उल्लंघन किया था, क्योंकि लोगों को धोखे में रखा, लोगों को दिखाया कि उनका ग्रीन सरफेस इतना मिलेगा, ऊंची मतलब इतनी ऊंचाई होगी, उसको आपने इतना ऊंचा बढ़ा दिया, तो लोगों को एक भ्रम में रखा। तो लोगों को उस चीज का गुस्सा था या उस चीज से वो परेशान थे, क्योंकि एट द एंड वो उनका घर है, उनका फ्लैट है, तो उसमें सुपरटेक ने बहुत ही उनको गुमराह किया। बिल्कुल सही कहा, इसने सुपरटेक ने गुमराह किया। और आप यकीन मानिए 24 अधिकारी और कर्मचारियों के खिलाफ इस ट्विन टावर वाले केस में एफआईआर दर्ज हुई थी। मामला तो चला, अब आखिर में सवाल ये उठता है ना, कितने लोग जेल जाएंगे, कितने लोग चले गए और कब तक रहेंगे जेल में, और आखिर ये जो पैसा सुपरटेक ने यूज़ किया वो पैसा कौन सा था, वो बैंक का पैसा था, वो बायर्स का पैसा था, कितना पैसा था, ये तो ऑब्वियसली पता चलेगा नहीं चलेगा, इसका तो कोई मुझे लगता है कि ना तो वो एक नंबर में सारा शो करेंगे। लेकिन सवाल ये उठता है कि जब ये सब कुछ बनाया जा रहा था, सरकारें सो रही थी उस समय, सरकारों की आंखों पर इतना पैसा चढ़ा दिया या उनके पास इतना पैसा उनको दे दिया गया था कि उनको कुछ नज़र नहीं आ रहा था, उनको कानून भी टूटता नज़र नहीं आ रहा था, तमाम चीज़ें नज़र नहीं आती। चलिए फाइनली एक उम्मीद ये है कि अब टूटेगा, एक सबक मिलेगा बिल्डर को कि अगर आप गलती करेंगे तो आपका ये हश होगा। मैं सिर्फ एक चीज़ जानना चाहता हूँ दोस्तों, कोई भी एक शख्स, मैं बिल्डर की बात करता हूँ क्योंकि हम लोग बिल्डर को इतना बोलते हैं, मैंने कई सीरीज़ भी इस पर करी, बिल्डर्स की भी अपनी कई परेशानियाँ होती हैं, उनका साफ साफ ही कहना होता है जी ऐसा है, हम भी चाहते हैं कि हम फ्लैट बना कर दें लोगों को, जब हम पैसा ले रहे हैं तो बना कर दें, लेकिन कई बार ऐसी अड़चनें आ जाती हैं जिसमें हम भी कुछ नहीं कर सकते। मैंने पूछा क्या अड़चनें आती हैं ऐसी, उन्होंने कहा जी हम फ्लैट बना रहे होते हैं कई बार कोई गवर्नमेंट कोई अड़ंगा डाल देती है, कोई पहले हमें कुछ और बोला गया होता है बाद में कुछ और बोल दिया जाता है। मैंने कहा जैसे, उन्होंने कहा कि भाई कई बार ऐसा होता है कि जैसे किसानों की ज़मीन है और बिल्डर ने ले ली, एक टाइम के बाद पता लगा जी वहाँ किसान जो है पर्टिकुलर दो चार अपने उस एक पर्टिकुलर एरिया को यूज़ कर रहा था, बाद में बिल्डर ने कहा इसको छोड़ो, वो छोड़ने को तैयार नहीं हुआ, वहाँ प्रोजेक्ट डिले हो गया। तो इस तरह की तमाम ऐसी चीज़ें जो ये अक्सर आती है और अक्सर बिल्डर अपनी परेशानी बताता है, लेकिन सिर्फ ये वजह की वजह से जो है हम ये कहें कि जी हमने तो अपना पैसा दिया है उनको, हमने तो इतना बड़ा अमाउंट उनको दिया है, हमने तो अपनी पूरी जीवन भर की पूंजी उनको दे दी है, और उसके बाद अगर हमें फ्लैट ना मिले या हमें इस तरह की हालत देखने को मिले तो बड़ी गंभीर परिस्थिति है जो मुझे लगता है, क्योंकि हमने कई ऐसे केसेस देखे जिसमें लोगों को अभी तक फ्लैट नहीं मिले, मुआवजा तक नहीं मिला, इतने पैसे उनके वकीलों में खर्च हो जाते हैं। चलिए ये सारी चीज़ें मैं छोड़ दूँ, आप ये सोचिए उनका मानसिक सुकून का चला जाता है, उनके परिवार में क्या हालत होती होगी, बेचारा वो नौकरी भी कर रहा है, नौकरी भी दब दब के कर रहा है, उसके अलावा वो ईएमआई भी पे कर रहा है, उसके अलावा तमाम ऐसी कवायद हैं जो बहुत ज़्यादा दिक्कत देती है। तो फिर ऐसे में हम ट्रस्ट करते हैं, चलिए जी अब कौन सा बिल्डर ले, कई बिल्डर आपको यूनिक ऑफर देते हैं, कुछ नहीं जमा करना जी, आपका फ्लैट बिल्कुल तैयार है, आप आइए चाबी लीजिए पैसे दीजिए एंटर करिए। कई ऐसे बिल्डर्स थे भी जिन्होंने दिए, मैंने देखा गाजियाबाद नोएडा साइड में ऐसे बिल्डर्स थे भी जिन्होंने ये सब जब ड्रामा हुआ उसके बाद उन्होंने इसका फायदा उठाकर ये सब की चीज़ किया, लेकिन टोटैलिटी में अगर देखा जाए तो शुरुआत में सब बिल्डरों ने अंडर कंस्ट्रक्शन जो प्लान लिंक होता है वो किया कि भैया बन रहा है फ्लैट, बन जाएगा तो जी 2 साल में रेडी हो जाएगा। कई लोगों के पैसे फंसे हुए, मतलब मेरे तो इतने जानकार हैं जिनके पैसे फंसे हुए हैं, जो रोते हैं कि भैया हमारे हमें पैसे दिलवाओ, हम कुछ नहीं, ना हमें ब्याज चाहिए, कुछ नहीं चाहिए हमें। जो लोग केस में जाते हैं वो भी रोते रहते हैं, केस उनके डिसाइड नहीं होते, कोर्ट्स के पास इतनी ज़्यादा वो दिक्कतें हैं। तो कहने का मतलब ये है दोस्तों, इस उलझन से बचा कैसे जाए, इस उलझन से ऐसे बचा जाए कि इस तरह के जब आप फ्लैट्स लेने जा रहे हैं तो बहुत तहकीकात कीजिए, और जब आपको दिख रहा है कि जो रेडी टू मूव है उस प्रॉपर्टी में जाइए, और प्लस रेडी टू मूव प्रॉपर्टी में जाने से पहले सारी उसकी रजिस्ट्री चेक कीजिए, ऑक्यूपेंसी सर्टिफिकेट चेक कीजिए, मानक चेक कीजिए कि भाई वो सर जैसे सुपरटेक इतना बड़ा नाम है तो कैसे, मतलब कोई इंसान इसके बावजूद भी किसी पर यकीन कर पाएगा कि जब सुपरटेक ऐसा कर सकता है। ये बात भी सही है, बहुत वैलिड क्वेश्चन है, लेकिन कई ऐसे बिल्डर्स हैं, अब आपको करना तो पड़ेगा ना, अगर आपने जान आप ऐसे प्रोजेक्ट में जाइए ना जो रेडी टू मूव आपको दिख रहा है, जहाँ ऑलरेडी लोग रह रहे हैं, लेकिन सवाल उठता है फिर वो फ्लैट कितने बचते हैं, वो महंगे होते हैं फ्लैट, वो होते ही नहीं है फ्लैट, वो बहुत लिमिटेड फ्लैट होते हैं, तो ऐसे में वो डील फिर फाइनलाइज नहीं हो पाती, फिर कौन सी डील चलती है जी, ये बन रहा है अच्छा जी डाल दो जी पैसा हमारा भी, आदमी क्या करेगा भाई, उसको एक अच्छी जगह से एक जहाँ जिस जगह रह रहा है उससे अच्छी जगह उसको जाना है, तो वो नेचुरली वो लेगा जगह, मजबूरी में लेगा, चलिए ठीक है 2 साल बाद तो फिर इसमें या तो आप ज्यादा पैसे ही खर्च कर सकते हैं या फिर आप भरोसे पे टेक सकते हैं। हाँ, या फिर आपका दिल बहुत बड़ा, आपको अटैक नहीं आता तो ठीक है फिर आप जितना मर्जी लुटाइए कोई दिक्कत नहीं। इसमें सुप्रीम कोर्ट ने बहुत ही अच्छा फैसला दिया, क्योंकि इसमें छोटा सा ये अपडेट की जिसे लोगों को नहीं पता होगा, तो बिल्डिंग में करीब
10,000 छेद करके बारूद भरा गया है, और जिसे सिर्फ मतलब उसके आसपास के लोगों को वहां से हटाने का ऑर्डर भी दिया गया है जब संडे को ये बिल्डिंग गिरेगी. हाँ, डिमोलिशन होगा और करीब कुछ ही सेकंड्स में एक बिल्डिंग गिराई जाएगी, करीब 5 सेकंड में, फिर 5-6 सेकंड बाद दूसरी बिल्डिंग भी गिरा दी जाएगी. चलिए, तो आपने बता दिया बिल्डिंग कैसे गिरेगी. लोगों का इंटरेस्ट इसमें नहीं है बिल्डिंग कैसे गिरेगी, लोगों को विजुअल नहीं देखने बिल्डिंग गिरते हुए, लोगों को जो उनकी कमाई गई है ना, जिसने सुपरटेक ने उनसे पैसे छीन कर ये बिल्डिंग बनाई है, या बैंकों से पैसा लेकर ये बिल्डिंग बनाई है, या अपना पैसा इस्तेमाल किया जो कमाया है बायर्स से, उसका हिसाब चाहिए लोगों को. क्या उसका हिसाब मिलेगा दोस्तों? आपको लगता है मिलेगा? मैं आप लोगों से व्यूअर्स पूछना चाहता हूँ, क्या कोई ऐसी एजेंसी है जो ये पता लगाएगी ये इस तरह का हिसाब मिलेगा? क्योंकि लाखों लोगों के वहाँ, कई हज़ारों लोगों के बेचारों के पैसे लगे होंगे. कई ऐसा नहीं है, मैं ये नहीं कह रहा सुपरटेक ने बनाकर नहीं दिए, कई सारे प्रोजेक्ट्स भी बनाकर दिए सुपरटेक ने, लेकिन अब सवालों के घेरे में कि आपने इतना पैसा लगा दिया एक जगह, इतना आपने हाय तौबा मचा दी, इतना आपने सेटिंग कर दी कि ये हालात पैदा हो गए. अब ये हालत हो रही है कि लोग परेशान हैं, बिल्डिंग गिरना है ठीक है, आप ये तो एक शगुफा हो गया, एक शोशेबाजी हो गई, एक ये हो गया कि भैया ये बिल्डिंग गिरेगी तो बड़े अच्छे विजुअल दिखेंगे, अरे बड़ा अच्छा लगेगा जी ये टीवी पर दिखते हुए. देखिए ये तो सब एक अलग बात है, लेकिन जिसके पैसे लगे उसका दुख उसी को. और ये सिर्फ इसी ये वाला दुख नहीं है, ये दुख बिल्डिंग गिरने का नहीं है, ये दुख ये पूरी पॉलिसी, ये पूरे सिस्टम पर उठता है. ये सिर्फ ये है कि भैया जिसके पास पैसा है, जो एक बायर है जो खरीदने जा रहा है कोई सामान, आप उसको प्लीज दे दीजिए. वो अपनी पूरी जिंदगी भर की कमाई लेकर जा रहा है आपके पास, आप उसको धोखा मत दीजिए. या तो अगर आप उसको धोखा देंगे तो नेचुरली वो यही होगा, वो परेशान होगा, वो आपका विरोध करेगा, कोर्टों के चक्कर काटेगा. सिस्टम ही इतना ज्यादा करप्ट है ना, तो ये किसकी जिम्मेदारी है? चाहे नोएडा अथॉरिटी हो, चाहे वो बिल्डर हो, चाहे बायर हो, चाहे सरकार हो, चाहे वहाँ की प्रदेश सरकार हो, चाहे मायावती की सरकार थी, चाहे समाजवादी पार्टी की सरकार थी, और अब चाहे बीजेपी की सरकार है. इसमें तो बड़े सिंसियर होकर काम करने की ज़रूरत है. मैं ये नहीं कह रहा नहीं कर रहे हैं, तभी ये सारे रिजल्ट आ रहे हैं, लेकिन अभी बहुत कुछ करना बाकी है. इसलिए बहुत कुछ करना बाकी है कि बहुत सारे लोगों के फ्लैट्स फंसे हुए हैं. मुझे तो सिर्फ ये एक चिंता रहती है कि हमारे व्यूअर्स भी कई सारे ऐसे व्यूअर्स होंगे जिनके बेचारों के फ्लैट नोएडा, गाजियाबाद, गुरुग्राम में कई जगहों पर ऐसा फंसा होगा जिसमें आपने अपनी हार्ड एंड मनी लगा रखी होगी. क्योंकि हम सारे लोग यहाँ करप्शन करने के लिए नहीं बैठे हैं, हम करप्शन से हमारी मनी नहीं आ रही जिसकी वजह से हमें कोई टेंशन नहीं हो. हमें लगे ठीक है कोई बात नहीं, 50 लग गया कोई बात नहीं, 50 और कमा लेंगे. भैया हमारी हार्ड एंड मनी है, हम पूरे दिन मेहनत करते हैं, आप लोग पूरे दिन मेहनत करते हैं, जीतोड़ करते हैं, उसके बाद पैसा कमाते हैं. तो कोई हमारा पैसा ऐसा ले नहीं सकता. और उसके बाद एग्रेशन कितना आता है, आप सोचिए कितना गुस्सा आता है कि अगर आपका पैसा अटका हुआ, आप कितने टेंशन में रहते हैं, उसकी फ्रस्ट्रेशन आपकी फैमिली पर निकलती है, आपकी हेल्थ खराब होती है, आपकी फैमिली की हेल्थ खराब होती है, पूरे घर का माहौल खराब होता है, 50,000 की बीमारियां आपको होती है, 50 तरह की आप दूसरे देते हैं, पूरा दिन परेशान रहते हैं, लीगल बैटल देते हैं. तो यही तो सारी इसकी वो है व्यवस्था. लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि एक बहुत अच्छी संस्था है जो है सुप्रीम कोर्ट, जिसने इस बारे में कितना सख्त निर्णय लिया. मैं चाहता हूँ सुप्रीम कोर्ट, कई सारे बिल्डरों को हमने देखा अंदर भी डाला है, बहुत सारे बिल्डर्स को अंदर डाला, बहुत सारे केसेस रजिस्टर्ड हुए, बहुत सारे लोगों को मुआवजा भी मिला मैं मानता हूँ. लेकिन अभी भी दोस्तों आप यकीन मानिएगा, अगर ईमानदारी से बात करें तो ऐसे लाखों लोग होंगे जिनको अभी भी मुआवजा नहीं मिला. मैं गलत बोल रहा हूँ विनोद जी, क्या आपको लगता है इस तरह के लोग नहीं होंगे? बहुत है, अमरपाली है, बहुत सारे ऐसे ग्रुप्स हैं जिन्होंने पैसा नहीं दिया, जिन्होंने प्रोजेक्ट, जिन्होंने फ्लैट नहीं मिले लोगों को, जिनके कई के करोड़ों रुपए के फ्लैट अभी जो वो पैसा देकर बैठे हुए और वो हवा में है फ्लैट. तो दोस्तों ये व्यूअर्स, सरकार को चेतना चाहिए, सुप्रीम कोर्ट को और टाइट होना चाहिए. और लेकिन सवाल ये उठता है ना कि अब ऐसे लोग कोर्ट जाएंगे तो फिर उनका पैसा खर्च होगा. इसमें तो सरकार को इनिशिएटिव लेना चाहिए, कोर्ट को और इनिशिएटिव लेना चाहिए कि भैया आप लोग केस फाइल करो, कोई पैसा नहीं लगेगा, हम आपकी प्रायोरिटी पर सुनवाई करेंगे, ताकि ऐसे लोगों को न्याय मिल सके, उनका पैसा उनको वापस मिल सके. चलिए, ये डिस्कशन आपको कैसी लगी जरूर बताइएगा दोस्तों. फिलहाल के लिए शुक्रिया.